तो क्या पढ़ा आज की अखबार में? आज की अखबार में ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी पढ़ी रही है, पढ़ने शुरू हुई है। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर वास, फ्लावर से बना फ्लावर वास, तो बहुत ही सुंदर लगा दी। 28 तारीख से यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला मंदिर देखने को मिलेगा क्योंकि गणपति जी का विसर्जन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टाइम है, हमारे पास खांसी नहीं होगी, पर अभी सुबह सुबह ठंड है आज के, इसलिए मम्मी को खांसी हो रही है। अब तो मम्मी जी योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़। प्रियंका राज ने दी नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा था कि जो काला महीना है उसमें मैं गई थी अपने ससुराल से अपने दोस्तों के पास। वैसे जाना तो चाहिए था अपने मायके, बट एज अ वर्किंग वुमेन मुझे जाना पड़ा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए, उनके पास जाके भी बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने भी मुझे पूरी जो मायके वाली फीलिंग है वैसी दी। और फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ बैक टू बेसिक अपने ससुराल, और बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वो ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना, आज है मुझे हॉलीडे, तो मैंने सोचा आपको ये अपडेट भी दे देती हूँ। और आज देखते हैं आज क्या क्या होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वैसे अभी बज चुके हैं सुबह के 5। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन योगा से ही होगा। तो बस अभी मैं और मम्मा करते हैं योगा, तो पहले चलती हूँ मैं किचन में, अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर आपको मम्मी से भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, वैसे स्ट्रीट लाइट्स तो जली हुई हैं, और बट जो हवा चली है ना दोस्तों, जो ठंडी ठंडी हवा सुबह की, फ्रेश एयर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ मॉर्निंग में बाहर आके। तो वैसे आप लोगों को भी अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, और वैसे हम तो यहाँ करना चाहते थे सुबह सुबह योगा, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछले कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो पूरा जो ये फ्लोर है ये पूरा गीला है, तो इसलिए हम अंदर अपने लिए लोकेशन देखेंगे फिर वहाँ पर करेंगे। अब चलते हैं अंदर। अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने सासू मम्मा जी से। मम्मी जी हेलो कर दो यूट्यूब फैमिली को। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आप क्या कर रहे हैं मम्मा? अभी सुबह सुबह ही, बस सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट बन गया हमारा, बन सब्जी बन गई, ठीक है मम्मा। चपाती बन रही है, चपाती तो बाद में बनाएंगे, पर अभी हमारा योगा का टाइम हो रहा है मम्मी जी। हाँ, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, सुबह जल्दी उठो, ये सारा काम जल्दी से होता है, योगा भी कर पाएंगे आप। हाँ जी मम्मा, के लिए भी जा पाएंगे। वही तो, तभी हम लोग सारा काम फास्ट फास्ट कर, पर आज मुझे छुट्टी है इसलिए आप लोग ड्यूटी पे जाएंगे, मैं आप लोगों को भेजूंगी। मैं तो करूंगी मजे आज। तो बस अभी हम बनाएंगे अपने लिए यहाँ पर ग्रीन टी। इनके मम्मी लाए थे ग्रीन टी अपने ऑफिस से। कहाँ से लाए थे मम्मी जी आप ग्रीन टी? ऑफिस में ले आता है एक, है ना। अच्छा, उनकी लोकल थी। तो बस मम्मी ने लाई है ग्रीन टी, बस अभी हम ग्रीन टी बनाएंगे फिर करेंगे हम अपना योगा। अब तो मम्मी जी योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। ये बन गई हमारी ग्रीन टी, अब बस चलते हैं हम अंदर। One hour later. कैसे लग रहा मम्मी जी सुबह सुबह योगा करके? बहुत अच्छा। आप YouTube फैमिली को क्या बोलना चाहते हैं कि सुबह सुबह आप भी सुबह जल्दी उठो और सुबह सुबह योगा करो, योगा से ही होगा जो भी होगा, योगा से ही होगा। और दोस्तों, एक तरह से मतलब एनर्जी भी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है चारों तरफ, बहुत ही फ्रेश लगता है। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टाइम है, हमारे पास खांसी नहीं होगी, पर अभी सुबह सुबह ठंड है आज के, इसलिए मम्मी को खांसी हो रही है। और मेन इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब जो टाइम है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम ऐसा लगता है कि मतलब दिन खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा हमारे पास टाइम होगा और अदर एक्टिविटीज के लिए, है ना मम्मी जी। आज लंच में बनी है आलू बीन्स की सब्जी, और ये तो मम्मा ने सुबह ही बना दी थी, और बस अभी मैंने बनाई गर्मा गर्म चपातियाँ। ये जो चपाती है ये स्पेशल बनती है हमारे बॉय के लिए, यहाँ पर एक डॉगी आता है बहुत पुराना है उसके लिए। और बस अब जल्दी से लंच पैक करते हैं फिर भेजते हैं मम्मा को, बाय बाय करते हैं। बस तो मम्मी चल पड़े ऑफिस। ये देखिए, दो दो बैग उठा के, एक सामान का और एक में पूरा लंच ही है। एक
खाने का, एक खाने का और एक पैसे का धीरे से बोला मम्मी ने। ठीक है मम्मी जी, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, बाय। ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, अब चले हैं मम्मा। बस आज मैं फ्री हूँ, बस अब मैं भी थोड़ी देर रेडी होती हूँ, फिर मैं आपको कहीं और लेके जाऊंगी। बाय बाय। 2 hours later। तो दोस्तों फाइनली मैं भी हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहना है ब्लू कलर का सूट विद सदरी। तो दोस्तों आज मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ वहाँ पर आपको एक अलग सा टैलेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा उसे देख के। तो मुझे लगा कि मुझे, मेरे पास जो ये मेरा प्लेटफॉर्म है, जितनी भी मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों को भी मैं वो चीज़ दिखाऊँ। मतलब कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा लोगों के सामने एक्सप्लोर नहीं होते, उन हिडन टैलेंट को भी आप सबके सामने लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्योंकि एक तो आज मौसम भी बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। तो बारिश होने से पहले पहले मुझे लंच टाइम तक वापिस आना है अपने घर। तो चलिए जल्दी चलते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए, जाने से पहले नानी जी से मिलाते हैं, मेरी प्यारी नानी माँ। नानी जी हेलो कर दो। हेलो, पूछो यूट्यूब फैमिली से कैसे हो। अच्छे हो। क्या पढ़ा आज की अखबार में? आज की अखबार में ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी पढ़ी रही है, पढ़ने शुरू हुई है। अच्छा, अभी शुरू हुआ आप। ठीक है नानी जी, खास कोई नहीं, आशीर्वाद। आशीर्वाद। ठीक है, आई मैं जल्दी। हाँ जल्दी आना है ना। ठीक है नानी जी, बाय बाय नानी जी, बाय बाय। ये देखिए दोस्तों नाना जी भी आ गए। नाना जी ऐसे हेलो कर दो। ठीक है नाना जी, मैं आऊंगी जल्दी। ठीक है। A few minutes later. ये देखिए दोस्तों, हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में मैं पहुंच चुकी हूं, जहां पर मैं आपको लेके जाना चाहती हूं। ये है देखिए सामने बुद्धा मल, और हमने जाना है ये सामने इस वाली शॉप में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो मैम से अभी बातचीत करते हैं। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्ते जी। हेलो मैम। नमस्ते जी। मैम आप अपने बारे में बताओगे थोड़ा सा? मेरा नाम सीमा है, टेक्नोलॉजी का काम करती हूँ। हाँ जी, टेक्नोलॉजी का काम जो है खोला हुआ है। हाँ जी मैम, इसमें सारी चीजें जो भी है वो फ्लावर से बनाई जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारा जितनी भी चीजें बनाई है सारी नेचुरल फ्लावर से बनी हुई है, और इनमें हमारे कुछ एक साइंटिफिक तरीके होते हैं जिनकी हम ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि ये 15 से 16 साल तक ऐसे ही रहें, ये खराब नहीं होंगी। तो काफी ज्यादा से ज्यादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों तक ये जा सके। मतलब हाँ जी मैम, ये बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज है, खासकर हमारे हिमाचल में। हाँ जी मैम, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि काफी लोगों तक ये शेयर होगी। जरूर लोग, बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, बट पहले मैं ये दिखाती हूँ, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मतलब मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर कान्हा जी बनाए हैं, ये सारा फूलों से किया गया है, इसमें कोई भी पेन का यूज नहीं किया गया है। आप ये देखिए, बहुत ही सुंदर, जिसे बोलते हैं कि मन मोह लेने वाला। ये देखिए बहुत ही सुंदर, हर एक चीज इसमें, सारा नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारा ड्राई फ्लावर का इसमें यूज किया गया है। ये देखिए ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊं। हर कोने में बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी माखन खाते हुए, यहाँ पर डॉल, ये एक फ्लावर वास बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर। आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे, पर मैं ये खुद सोच सोच के ये हैरान हो रही हूँ कि मतलब इन्होंने किस तरह से इसे बनाया होगा, ऐसा तो मेरे दिमाग में भी नहीं कभी आया होगा। ये देखिए, मतलब हम सोच सकते हैं, हम बस क्या करते हैं, फूलों को चढ़ाते हैं मंदिरों में, या फिर फूल उगता है उसे फेंक देते हैं, पर किसी कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि फूलों से कोई इस तरह की भी कलाकृति की जा सकती है। ये देखिए ये भी बहुत सुंदर, ये भी पूरा फ्लावर से बना है ना मैम? ये देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा फ्लावर है इसमें, फ्लावर से बनाया है इसको। ये देखिए यहाँ पर, और अभी थोड़ी देर पहले मैम से मेरी बात हुई थी, तो मैम बोलते कि ये जो पेंटिंग्स है ना यहाँ पर, ये इनकी सबसे पुरानी पेंटिंग्स है यहाँ पे, और इसमें एक इन फ्लावर्स को एक साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। ये अभी हम इसके बारे में डिटेल में तो मैम ही बताएंगे सारा, अब हम उनसे बातचीत करते हैं।
ये सबसे पहले तो मैं आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इसके लिए, क्योंकि आप इतना अच्छा हिडन टैलेंट है आपका, मतलब और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, और ये बहुत ही यूनिक टैलेंट है। सच बताऊँ तो मैंने भी पहली बार ही देखा ये आपसे बातचीत करके, और आप लोगों तक इसको पहुंचाना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि आप मतलब फूलों की, एक तरह से देखा जाए इसका एक सोशल मैसेज भी है कि मतलब फ्लावर जो होते हैं उनको वेस्ट नहीं करना, आप किस तरह से उसको यूज़ करके उसको दोबारा से उसको रीयूज कर सकते हो, उसको प्रिजर्व करके, है ना मैम। आपसे मैंने ये पूछना था कि ये जो आपके दिमाग में जैसे ये आइडिया है, मतलब आपकी पहले क्या ड्रॉइंग अच्छी थी? नहीं मैम, ड्रॉइंग का मुझे जरा भी नॉलेज नहीं था, जरा भी पता नहीं था, मतलब ऐसे नॉर्मली जो बच्चों को पहले छोटी क्लास में ड्राइंग करवाई जाती है मैं तो वही करती थी, मतलब इतना मेरे को नॉलेज में नहीं था कि फ्लावर से भी कुछ बना सकते हैं। हाँ जी मैम, मुझे डॉक्टर पूनम मैम जी के द्वारा ही इस टेक्नोलॉजी का पता लगा है। आपकी लाइफ में ये मोड कैसे आया कि आप जहाँ पर आप मतलब जीरो से हीरो बन गए, अब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब आपकी ड्रॉइंग जीरो थी और अब आप हीरो बन गए, आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं टिश्यू कल्चर का काम करती थी, मुझे फ्लावर का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से मैं इस काम में आई हूँ तो मैं मतलब एक तरफ से मतलब इसमें खूब सारी मैंने मेहनत की। हाँ जी, मेहनत और लगन से मैं इस काम में आगे तक आई हूँ। आपको कितना टाइम लगा इसमें, मतलब ये सीखने के लिए, ये करने के लिए? इसको सीखने के लिए मुझे लगभग 3 से 4 महीने जो लग गए। अच्छा, 3 to 4 months लगे आपको, मतलब 3 to 4 months में आपने इतना अच्छा किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सालों साल इसको मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये 3 से 4 महीने लगे हैं मुझे इसको सीखने में, और उसके बाद मैं दिनों दिन मेहनत भी करती गई और अपना अच्छे से अच्छा लेवल बनाती गई। हाँ जी, घरों में भी फूल लगाते हैं, नॉर्मली फूल लगाते हैं, रोज हो गया, गेंदा हो गया, ऐसे तो हम नॉर्मली फूल लगाते ही हैं। ज्यादातर हमारे मन में ये होता है कि फूल टूट गया, झड़ गया, ये तो वेस्ट हो गया, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए कमाई का साधन भी बन सकता है। जैसे फूल वेस्ट हो जाता है, उसको आप प्रिजर्व करने के कुछ हमारे तरीके रहते हैं, कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, जिसके द्वारा हम लेडीज को, महिला मंडल को भी गाइड करते हैं कि कैसे वो अपने लिए एक अच्छा रोजगार पा सकते हैं। कुछ हमारी वो ट्रेनिंग में बताया जाता है जैसे कि कैसे लेडीज को इसमें एक अच्छा रोजगार जो वो प्राप्त हो सकता है। हाँ जी मैम, तो मुझे तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा था ये। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं डॉक्टर पूनम मैम जी का करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मतलब इतना अच्छा काम बताया और मैं इस काम में इतनी सफल हुई। हाँ जी, तो ज़रूर होंगे आप मैम। और दोस्तों एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो पेंटिंग्स है आप मतलब मैम सेल भी करते हैं ना? जी करते हैं सेल। हाँ जी, और ये कौन सी जगह पे आपका, इस जगह का नाम? पालनपुर महजल है, बुड्ढा बाग मैरिज पैलेस के साथ ही है ये हमारी शॉप जी। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए सामने है बुद्धा मल पैलेस, यहाँ से इनकी जो लोकेशन है, यहाँ सामने बुद्धा मल पैलेस है और इस बुद्धा मल पैलेस के इस साइड ही आपका यहाँ पर ये इनकी शॉप है। ये देखिए, इस बाहर से तो मैंने आपको पेंटिंग दिखाई नहीं, ये देखिए कान्हा जी की कितनी सुंदर पेंटिंग बनी है, ये भी पूरी फ्लावर से बनी हुई है, मतलब बहुत ही सुंदर इन्होंने काम किया है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जनरली हम सीधे चले जाते हैं, हमें आसपास भी देखनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो आप इनका जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वो मैं आपको यहाँ पर इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी आईडी का लिंक भी डाल दूंगी, तो आप इन्हें फॉलो भी करें ज़रूर। और साथ में आप जो ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं यहाँ पर फ्लावर की बनी हुई, इनको आप इनसे खरीद भी सकते हैं, इनको DM कर सकते हैं और इनको फॉलो ज़रूर करें। तो ये एक सोशल मैसेज भी कर रहे हैं, एक सोशल काम भी कर रहे हैं देखा जाए, जैसे कि मैम ने बताया कि महिला मंडल को भी ये गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से वो अपने लिए एक रोज़गार पैदा कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं, अब देखिए यहाँ पर दी, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप महंजा से ही है, देखिए ये भी साथ में यहाँ पर, आप भी यहाँ पर काम करते हैं। हाँ जी, ये देखिए मतलब, और एक चीज़, हाँ ये इनके सामने ये क्या है मैम? ये बुकमार्क है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए बहुत ही सुंदर बुकमार्क है यहाँ पे, इनको भी, ये भी सारे ड्राई फ्लावर से बने हैं ना मैम? ये भी सारे ड्राई फ्लावर से बने हैं। और ये क्या है मैम? अच्छा, ये अभी पेंटिंग्स है, ये देखिए। हाँ जी, ये अभी इनकम्प्लीट है वैसे। तो मैंने ये पूछना था कि आप इतना सारा ये काम कब करते हैं, क्योंकि जैसे आप तो दिन भर आप बिजी रहते हैं, फिर आप कब बनाते हैं इन चीज़? उसके बाद मैं रॉ मटेरियल जो इकट्ठा करती हूँ, यहाँ पे अपने लिए भी सामान जो इकट्ठा करती हूँ, तो मतलब काफ़ी अभी मेरा मेहनत का काम काफ़ी जारी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं कहीं कभी ना कभी मतलब एक अच्छे लेवल तक जाऊँगी।
जरूर जाएंगे मैम, आप जरूर जाएंगे। YouTube फैमिली आप सब इनके लिए प्रे करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि क्योंकि जो कुछ जैसे मैं बता रही थी आपको कि जैसे कुछ हिडन टैलेंट होते हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, उनकी हमें पूरी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि दी अपना पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अपना मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो पेंटिंग है ना दोस्तों, ये है दी की फेवरेट, है ना, अब दी बोलूंगी, अब ये दी बन गए मेरे मैम से दी हो गए। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी, ये देखिए इसमें कहना, और ये सारा इन्होंने फ्लावर से किया है। आप देखिए, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मैं तो बार बार यही बोलूंगी क्योंकि मैं भी नहीं सोच सकती, क्योंकि अब एक तो ना इनकी शॉप थोड़ी सड़क के साथ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सौंडर है, मतलब मुझे ये देख के ना, अब मुझे नहीं पता आपको इस कैमरे में पता नहीं कैसी दिख रही होगी ये देखिए, बट मैं सामने से इनको देख रही हूँ तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये। तो प्लीज इनको फॉलो कर देना, इनकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी मैं आपको, है ना मैम जी, जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ये सोशल वर्क भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये सोशल वर्क भी कर रहे हैं, साथ साथ में एक एम्प्लॉयमेंट का साधन भी है ये। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे दी है, देखिए इंडिपेंडेंट वुमेन है ये, आप लोग भी इनसे कुछ सीख सकते हैं, हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉग देखना है और हो गया, मुझे सिर्फ व्यूज से मतलब नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोगों को मोटिवेट भी करें हम साथ साथ में। चलो डेली ब्लॉगिंग तो चली रहती है, पर कुछ ऐसा काम भी होना चाहिए कि हमें इनसे भी सीखना चाहिए कि औरतें होती हैं जो घरों में बैठी होती है बेचारी, घर से मजबूरी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो घर में बैठ के वो एक फ्रेम भी तैयार करते हैं तो अभी 1000 से 1500 रुपए वो आराम से कमा लेंगे। हमारे कुछ साइंटिफिक तरीके हैं ताकि ये लंबे समय तक ठहर सके, क्योंकि नहीं तो फूल तो खराब हो जाते हैं, लेकिन खराब ना हो इसलिए इन्हें बचाने के लिए कुछ हमारे साइंटिफिक तरीके हैं जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, तो देखिए ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ घर में बनानी है, ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाते हैं यहाँ पे CSIR में होती है ट्रेनिंग, CSIR IHBT पालमपुर, जिसका आपने नाम सुना ही होगा मैक्सिमम टाइम, और उसकी इन्फॉर्मेशन आप जैसे गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर मतलब स्टार्टअप के लिए भी होता है और जैसे ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो बच्चे भी आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, उनको भी बताया जाता है, तो बहुत ही सुंदर। ए फ्यू मिनट्स लेटर, आपके लिए सुंदर फूलों से बनी हुई हमारी तरफ से फ्रेम। तो दोस्तों ये देखिए, मुझे दी ने ये भी दी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर वास, फ्लावर से बना फ्लावर वास, तो बहुत ही सुंदर लगा दी मुझे, सच में आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, दिल से आप आए होंगे भी बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद ये पेंटिंग देने के लिए, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मैं यहाँ पालमपुर पहुँची, तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया अपने बजरंग बली जी पे, और ये देखिए राम सीता लक्ष्मण, यहाँ पर इनका टेंपल है, और यहाँ पर सबसे मेन खास बात ये देखिए, यहाँ पर जैसे गणेश चतुर्थी पे, ये देखिए यहाँ पर गणपति बप्पा जी का, यहाँ पर गणपति बप्पा जी का है यहाँ पर लगा हुआ, तो ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर अंकल जी बता रहे थे अभी कि 28 तारीख को यहाँ पर, फिर 28 तारीख से यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला मंदिर देखने को मिलेगा, क्योंकि गणपति जी का विसर्जन होगा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है अंकल जी, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, उन सबसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनका जो टैलेंट है, उनका जो आर्ट वर्क है, उसको देख के तो मैं सच बताऊं दोस्तों, मैं तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई। आई होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मतलब मैं एक महीने के लिए अपने ससुराल से दूर थी, तो मैंने इसको इतना ज्यादा मिस किया, बहुत ही ज्यादा मिस किया मैंने, मुझे बहुत ही ज्यादा याद आई सबकी। और ऐसा नहीं है कि मुझे स्वाति और शालिनी ने प्यार नहीं दिया, उन्होंने भी मुझे अपने पूरे मायके वाली फीलिंग दी, क्योंकि मैं अपने मायके तो जा नहीं सकती थी एज अ वर्किंग वुमेन होने की वजह से, जॉब की वजह से, तो बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन सब ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। तो उनको अगर शालिनी और स्वाति भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू यार। और बाकी दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज पक्की पहाड़ एंड प्रियंका राज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय दोस्तों, आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।